जर्मनी की म्यूनिक विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल फॉर नेचुरल मेडिसिन ने होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर आदित्य पारेक को आमंत्रित किया एवं उनके व्याख्यान का 4 दिवसीय भव्य सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर आदित्य पारेक ने 4 दिन तक व्याख्यान दिया। डॉक्टर आदित्य पारेक के इस व्याख्यान को सुनने के लिए 120 डॉक्टर सेमिनार में शामिल हुए। जर्मनी के म्यूनिक शहर के जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंतर्गत नेचुरल मेडिसिन हॉस्पिटल द्वारा मेरे को आमंत्रित किया गया था और वहाँ के डॉक्टरों को हमने 4 दिन की ट्रेनिंग दी है एडवांस्ड होम्योपैथी में, खासकर मायज़मेटिक प्रिस्क्राइबिंग होम्योपैथिक में एक होती है, जिसके ज़रिए जो जटिल रोग हैं वो ठीक होने के बाद पुनः बार बार क्यों होते हैं मनुष्य में और आगे उनका क्या कोर्स रहता है, उसकी तह तक पहुँच कर उसका जड़ से निदान किया जाता है। उस विषय पर 4 दिन का सेमिनार आयोजित उन्होंने किया था, जिसमें मैंने 6 घंटे प्रतिदिन करके 24 घंटे के लेक्चर वहाँ पे दिए हैं और 120 डॉक्टर पूरी जर्मनी से उसमें आए हुए थे। उसकी DVDs भी बनाई गई हैं जो वहाँ उनको दी जाएंगी। जरूर, इस सेमिनार की DVD भी बनाई गई जो अकेडमी के चिकित्सकों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस सेमिनार में ग्रेगिन, ल्यूकेमिया, हेली डिजीज जैसे असाध्य रोगों के केस प्रस्तुत किए गए, जिसमें मुख्य विषय था एडवांस होम्योपैथी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज, आगरा।